1934 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना कर देविका रानी अपने पति हिमांशु रॉय और सहयोगियों को साथ में लेकर पहली फिल्म बनाने जा रही थी, जवानी की हवा। इस फिल्म में देविका रानी के अपोजिट कास्ट किया गया था हैंडसम मैन नजमुल हसन को। 1935 में रिलीज हुई फिल्म जवानी की हवा एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसकी पूरी शूटिंग ट्रेन में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका रानी नजमुल हसन से प्यार करने लगी थी। दोनों के बीच जबरदस्त रोमांस की वजह से देविका के पति हिमांशु काफी परेशान रहने लगे थे। जैसे तैसे फिल्म रिलीज की गई और इसके बाद 1936 में अगली फिल्म जीवन नैया की शूटिंग भी होने लगी। जीवन नैया में देविका रानी के अपोजिट नजमुल हसन को पहले ही कास्ट किया जा चुका था, लिहाजा दबे मन से माली नुकसान के डर से हिमांशु रॉय ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन नजमुल हसन और देविका रानी के बीच चल रहे जबरदस्त अफेयर ने इस फिल्म की शूटिंग ही रुकवा दी, क्योंकि दोनों शूटिंग लोकेशन से फरार हो चुके थे। काफी खोजबीन के बाद दोनों का पता चला। शशधर मुखर्जी के समझाने पर देविका रानी तो वापस आ गईं, लेकिन नजमुल हसन को इसकी सजा मिली और सभी ने मिलकर नजमुल पर किसी भी प्रोडक्शन की फिल्म में काम करने पर बैन लगा दिया। इधर हिमांशु इस फिल्म के लिए एक नए हीरो की तलाश में जुट गए। इस बार वो एक आम आदमी को स्टार बनाना चाहते थे। ऐसे में एक दिन उनकी नजर उनकी ही कंपनी बॉम्बे टॉकीज में काम कर रहे एक लैब असिस्टेंट पर गई। ये लैब असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि कुमुदलाल कुंजीलाल गांगुली थे, जिसे हिमांशु ने हीरो बनाने का फैसला कर सभी को चौंका दिया। कुमुदलाल कुंजीलाल गांगुली को फिर हिमांशु ने एक नया नाम दिया, अशोक कुमार। फिर अशोक कुमार को लेकर जीवन नैया फिल्म की शूटिंग फिर से की और रिलीज किया। यह फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इसके बाद अशोक कुमार और देविका रानी की फिल्म अछूत कन्या रिलीज हुई, जिसने अशोक कुमार को लाइव के एनवायरनमेंट से निकालकर आसमान का सितारा बना दिया।